हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीसीए क्लासेज में। आज आपके लिए लेके आए हैं दिनों का जोड़ कैसे करें बगैर पेन कॉपी के। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि हर यहाँ पर क्या रहे दोस्तों, यदि हर समान हो तो अपन ऊपर वाली संख्या को वैसे के वैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दो और एक कितने हो गए दोस्तों, तीन, और बटे में पांच। सिंपल सा क्या हो गया दोस्तों आंसर। दोस्तों ध्यान रखना, यदि हर एक की संख्या क्या रहे समान तो ऊपर वाली संख्या को वैसा के वैसे जोड़े, दो और एक क्या हो गया तीन, और बटे में क्या आ गया दोस्तों पांच। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तीन बटे ग्यारह में जोड़ना है चार बटे ग्यारह। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे, क्या यहाँ पर ग्यारह है दोनों में, तो क्या हर संख्या तो क्या है समान, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लिया जाए, तीन और चार कितने हो गए दोस्तों सात बटे ग्यारह। ये आपका क्या रहेगा आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हर संख्या क्या समान नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हर संख्या क्या नहीं है समान, तो कोशिश करें कि इस हर को बराबर करने की। जैसे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर हर में है नीचे 11, इसमें है 22, तो दोस्तों यहाँ पर 11 को 22 बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर रहेगा बिल्कुल बनाया जा सकता है, किससे गुणा कर दे दो से। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दो ऊपर नीचे दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ पर नीचे भी 22 बन गया दोस्तों, और यहाँ पर भी क्या बन गया 22। तो अब देखें ऊपर कितने हुए, 5 दुनू 10, और यहाँ पे 3 13, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा 13/22। तो दोस्तों आप आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 21। तो अब दिमाग लगाएं, क्या 7 को 21 बनाया जा सकता है? बिल्कुल यस, बनाया जा सकता है। किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से। तो क्या यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो यहाँ पर भी 21 आ गया और यहाँ पर भी 21। तो देखो यहाँ पर 3 तिया 9 और 1 10/21। ये आपका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर क्या ना तो 5 को 4 बनाया जा सकता, और ना ही 4 को 5, और ना ही 4 को 5, ना ही 5 को 4 बनाया जा सकता। तो यहाँ पर ध्यान दे, आप यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, प्लस का साइन है तो प्लस लगाए, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 5 तो 20। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 9/20। दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर हो गया 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या, यहाँ पर ऐसा करें, 7 3 21, 5 2 10, और बटे में क्या आएगा दोस्तों 7 5 35। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया 31/, क्या दोस्तों क्या आएगा 31/35, 31/35। ये क्या रहेगा आपका आंसर दोस्तों। आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण संख्या ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर लंबा चौड़ा फ्रैक्शन न करके क्या करें, क्या यहाँ पर पूरी पूरी संख्या, यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों क्या है, तो पूरी संख्याओं को जोड़ ले। तो यहाँ पर 2 और 5 कितने हो गए दोस्तों 7, 3 और 2 5, 4 और 3 7, और 3 और 4 7। तो यहाँ पे पूरी पूरी संख्याओं का योग आपके द्वारा क्या किया गया 77/57। अब यहाँ देखिए क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 1/11, और यहाँ क्या बच गया दोस्तों 2/22। तो अभी सीखा था नीचे वाली संख्या को क्या करें बराबर, या फिर दोस्तों इसी को आप क्या कह सकते हो 1/11। तो यहाँ पर दोनों जगह पे दोस्तों क्या है 11, तो यहाँ पर 1 और 1 2/11, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/11, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। दोस्तों आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला दोस्तों यहाँ पे है। तो पूरी पूरी संख्याओं का एक बार ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितने हो गए दोस्तों 5, 4 और 4 8, 2 और 3 5, और 3 2 5। पूरी पूरी संख्या दोस्त जोड़ दी गई, यहाँ पे ऐड कर दी गई है। अब यहाँ बच रहा है 1/5 प्लस में 2/10। दोस्तों क्या 5 को 10 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, किससे गुणा करके 2 से। तो मन में कर सकते थे, तो यहाँ 2 और 2 4,
और बटे में दोस्तों क्या आएगा 10, तो यहाँ 4/10, इसको 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पर 5, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा दोस्तों 5585 सही 2/5, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, तो क्या पूरी पूरी संख्याओं को जोड़ लिया जाता है यहाँ पे, तो देखें 1 और 1 2 2 3 5 3 2 5 4 और 3 कितने दोस्तों 7। अब यहाँ क्या है 1/1/5 + 2/3, अब दोस्तों यहाँ पे ना तो 5 को 3 बनाया जा सकता ना ही 3 को 5, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चलेगा, 3 × 3 5 × 10 और 5 × 3 = 15, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 13/15, तो इसके आगे लिख देंगे 13/15 दोस्तों, ये आपका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ये आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है।